राजवीर हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। हाँ सर, कुछ मेरे को ना एलर्जी रहती है यार सर, अपने खाद्य वाले से जो बीकानेर से, और नजले की शिकायत रहती है सर मुझे, रात सोने सो जाती है तो दिक्कत हो जाती है, पानी शिकायत हो जाती है, जैसे कोई नजला आता है, खांसी वगैरह सांस में दिक्कत हो जाती है सर। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 36 साल सर। ठीक है जी। हाँ देखिए, ये जिसको भी परेशानी होती है, जो कुछ आपने कहा, नज़ला, खांसी, बलगम, छींकें, एलर्जी, पानी आना नाक से, ये उन लोगों को होती है जो जिनमें इम्यूनिटी कम होती है। इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसमें कम होती है, ताकत उनको होती है, हम इसे कुव्वत मुदाफियत कहते हैं। तो जिसको भी ये शक्ति कम होती है उसको बार बार एलर्जी होती है। अच्छा, इसका यूनानी में इलाज है, बाकायदा इलाज भी है, बाकायदा इसके लिए दवाएं भी आती हैं बहुत सारी, और घरेलू नुस्खा इसमें ये है कि देखिए, सपिस्तान एक दवा का नाम है, सपिस्तान लीजिए, 100 ग्राम, उन्नाब एक दवा का नाम है, ये बेर जैसे होते हैं लाल लाल, लेकिन इंडिया के नहीं, ईरान के बेर यहाँ मिल जाते हैं आसानी से, सुर्ख होते हैं बिल्कुल, उन्नाब लीजिए 100 ग्राम, सपिस्तान लीजिए 100 ग्राम, और अलसी लीजिए 100 ग्राम। अलसी तो आप जानते ही हैं, उन्नाब का बेर का बीज निकाल देना, और फिर इसमें आप 100-100 ग्राम ये तीनों चीज़ें लेके, सपिस्तान, उन्नाब और अलसी, और इसमें अपने किचन से पीपले कहते हैं हम लोग, पीपला मूल भी कहते हैं हिंदी में, ये 30 ग्राम लें, इनको खूब बारीक पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच रात को, सुबह को निहार मुँह यानी खाली पेट, रात को सोते समय गर्म पानी से लें। खट्टी चीज़ें 5-6 महीने के लिए बिल्कुल छोड़ दें, जो भी खट्टी चीज़ हो नहीं खाएं। मैं तो कहता हूँ बाहर का खाना भी नहीं खाएं। अगर ये आप लगातार लेते हैं तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।